उसकी जबान पलट गई। इंसान बहुत ज्यादा खुश हो तो अपनी असलियत पर आता है या फिर बहुत ज्यादा परेशान हो। यकीनन इकरिमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्का फतह हुआ भाग गए वो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को मारने का हुक्म दे दिए थे। तो इकरिमा बिन अबी जहल भाग गए, भाग करके सीधा समंदर के साहिल पर पहुंचे। वहां एक कश्ती रेडी खड़ी थी, एक कश्ती बिल्कुल तैयार थी, बैठ गए उसमें। कश्ती चली समंदर के दरमियान में पहुंची तो क्या हुआ, तूफान आ गया, डूबने लगी। तो मल्लाह नाखुदा कैप्टन जो होता है चलाने वाला, उसने कहा तुम सब मिलकर अल्लाह को पुकारो। अल्लाहु अकबर, क्या कह रहा है वो, तुम सब मिलकर अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, क्योंकि इस तूफान से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह है। वो बोल रहा है, वो कैप्टन बोल रहा है। इकरिमा बिन अबी जहल ने सुना, कहा अरे ये बात तो मोहम्मद भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर समंदर में सिर्फ अल्लाह बचा सकता है तो समंदर के बाहर भी सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। मैं भाग कर कहां जा रहा हूं, मैं भाग कर कहां जा रहा हूं, अरे अल्लाह, इकरिमा कह रहे हैं, अरे अल्लाह अगर आज तूने मुझे ये तूफान से बचा लिया तो मैं सीधे जाकर मुसलमान हो जाऊंगा। ऐसे ही हुआ, अल्लाह ने नजात दी और वो मुसलमान हो गए जाकर के। दुआ में शिर्क, यानी जब हम बुलाते हैं अल्लाह को, अल्लाह के साथ किसी को नहीं बुलाना, सिर्फ या अल्लाह, या अली, या गौस, या हुसैन, या दस्तगीर, यही शिर्क अकबर है।